ये जी काला पानी का जेल, सेलर जेल। भैया ये टिकट लिया है। इसे काला पानी तुम सुनो, यहाँ पर यहाँ की धरती के लिए कण कण से गाथा बलिदान है, यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी। वाजी सैलोर जिले के सबसे पहले इतिहास पढ़ लेते। सैलोर जिले के मानो सुंदर सिंह ने मजबूती नहीं बटने लिखा गया था कि उन्हें बात किया आज़ादी की पहली लड़ाई में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया। यह स्थान जेल के निर्माण के लिए अधिक उपयुक्त पाया गया था क्योंकि एक तो यह रोस द्वीप के ठीक सामने था और अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक मुख्यालय था, दूसरी इसकी भारी दीवार के आधे से अधिक भाग समुद्र से घिरा होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त था। इस जेल का निर्माण 1893 में शुरू किया गया था, 1905 और 6 में पूरा हुआ था। एक साइकिल की पही और उसके साथ तिल्लियों की संरचना आधारित यह अपनी तरह की भारत की पहली इमारत है। दरअसल यह जेरेसी बेंथम विचार और पेनेगोना के प्रेरित आधारित है। जेल में 693 कोठरियों को विशेष रूप से स्वतंत्र सेनानियों के एकांत कारावास के लिए बनाया गया था। उत्तरी तो 693 कोठरियाँ ऐसे स्वतंत्र सेनानियों के सैलोर जेल में जेल के अधिकारियों के खिलाफ काफ़ी विद्रोह किया। आखिरकार सरकार ने जेल को बंद करने का फैसला लिया और सभी राजनीतिक बंदियों को जनवरी 30 तक रिहा कर समुद्र राज्यों को भेज दिया गया। पूरा सैलोर जेल हम घूमेंगे। वंदे मातरम। स्वतंत्रता की ज्योति जलती रहती है। 693 इसके अंदर कमरे बने हैं, एक ज्योति इस तरफ हो रही है। स्वतंत्रता की ज्योति पूरी जेल के अंदर से देखते हैं जरा। वाह जी, गजब। ये पूरी सैलोर जेल है, बताओ इसको देख के तो मजा आ रहा है। काला पानी का जेल है, देख लो दोस्तों, कभी देखा नहीं होगा, मैंने भी नाम सुना था काला पानी की जेल। भाई मेरा साले भाई मोहम्मद, बहुत बढ़िया भाई। ये है जी कार्यशाला सैलोर जेल का, जैसे तेल निकला यहाँ काम करवाए थे कैदी उसे, देखो उत्तरी तो कैदियों से ऐसे काम करवाया जाता था। ये क्या है, तेल की कहानी है, इससे तेल निकलवाया करते थे उस टाइम पे। वाह जी वाह। और ये है ऑयल मिल, इस तरफ ऑयल मिल है। और ये कि ये कैदी वो तेरी तो मतलब देखो जी, हाथ से ऊपर नीचे उठा उठो के काला पानी की जेल तेरी तो। ये देखो जी पीछे चाबुक से मार रहा है, लाल कर रखा बंदे को मार मार के। फ्लोगिंग फ्लेम, फ्लोगिंग फ्लेम समझ गया ना, आग जलता हुई। पनिशमेंट ड्रेस है ये है पनिशमेंट ड्रेस, मतलब बोरी पहननी पड़ा करती थी वो तेरी तो, बोरी के कपड़े नीचे का मतलब पैंट पजाम वो हो गया निक्कर, ऊपर का कुर्ता बोरी का। ये देखो जी काला पानी की जेल में ये पहनना पड़ा करता, पनिशमेंट ड्रेस है। और ये तेरी तो चेन फैटर्स, ये देख लो भाई। और इस तरफ हो गया बार फैटर्स ऐसे। और ये पता क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन है पहचान के लिए कि कौन कैदी है। क्रॉस बार फैटर्स गड़े हैं अभी, ये अंग्रेजों द्वारा अत्याचारी पुराने समय की बनी हुई
चलो बहुत मज़ा आएगा इसको देख के। तो काले पानी की झील, मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी इसमें घूमने की, इसको देखने की। अभी ऊपर चलते हैं जहाँ एक कोठरी 693 इसके अंदर कमरे बने हुए हैं। और हर कमरे में एक कैदी को रखते थे। प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल बिफोर एग्जीक्यूशन, फांसी पूरी अंतिम क्रिया स्थल। उत्तरी थी ये जगह है, फांसी से पहले अंतिम क्रिया है होती थी तेरी। तो ये है कृपा स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में शांति बनाए रखे। भाइयों ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं विच वी डोंट नो। ये फांसी घर है, गैलोज फांसी घर, फांसी घर। इसको रोक के पढ़ लेना, जान ले हमने कहने के दोषी थे। ये है उसी समय का बना फांसी घर। वाह जी, इन रस्सों से लटका के। और ये है ना, इसको सरकाते थे, ये फट्टे हट जाते थे, दिख रहे फट्टे, ये फट्टे हटा करते थे और यहाँ पे काला पानी में फांसी देते थे। कमाल है जी। अंदर चलता हूँ, रुको मैं, अंदर जाने का बड़ा शौक है मेरे को, यहाँ नेटवर्क काम नहीं करता। थोड़ा सा के देखते हैं अंदर, नीचे फांसी लगने के बाद यहाँ आते थे नीचे, यहाँ लटकता था जी आदमी मरने के बाद। बताओ यार, हाइट थोड़ी सी छोटी है, मैं थोड़ा बताओ जी, कमाल है। अभी अंदर कोठरी देखते हैं, काला पानी की कोठरी। ऊपर जाने का रास्ता, हेलो ब्रदर, वेयर इज द गो टू अपसाइड। इस पूरी जेल लोगे पूरी कोठरी देखते हैं, इसके अंदर भी कुछ पुरानी यादें सजो रखी होंगी। काला पानी की जेल है, पूरा देखना बहुत मजा आएगा और हमें उनके बलिदान की गाथाओं को पता लगेगा। ये देखो जी, ऐसे प्रताड़ना देते थे। वाह, वीडियो पूरी देखना ताकि काला पानी के जेल का रहस्य ना आप लोग समझ जाएं। यहाँ लाके ना बांधते थे, डालते थे जेल में एक एक कैदी को, एक एक कोठरी के अंदर। ऐसे बने कुछ जेल है। एक एक कोठरी में रहस्य छुपा हुआ है बलिदान का। अंग्रेजों ने दोस्तों अत्याचार तो बहुत किए थे और बलिदान भी बहुत दिया देश के। सैलो जिल के अपन चलेंगे अभी वो कोठरी देखने के लिए, एक एक कोठरी का, एक एक जगह। ये लो जी, ये कोठरी है। बताओ एक कैदी की एक कोठरी, ये काला पानी की जेल की हो एक कमरा। यहाँ से आता था खाना और यहीं बंदा सोता था। ये थोड़ा जगह वेंटिलेशन के, ये सचिंद्रनाथ सन्यार देख लो जी, इसमें खाना आता था
और इसमें कुछ पीने पीने के लिए, ये कंबल, ये फट्टा सोने के लिए। ये लिखा है इसमें तो काम चल रहा है। ये खुलता था यहाँ से खिड़के वड़के, खाना पाने की जेल की कोठरियाँ ऊपर चलते हैं। अभी ऊपर वाले चल के देखते हैं इस देश की आजादी के लिए कितने खून बहे हैं। बाहर जाना है, ये ऊपर जाने के लिए जेल है जी, ये भी जेल बनी हुई, सेम कमरे हैं। सेम कमरे, सभी सेम साइज के कमरे बने हैं। वहाँ तो लास्ट तक ऐसे हैं, सेम कमरे, लाइटें वगैरह ऐसी हैं, ऊपर की छत ऐसी बनी हुई है, इस तरह की छत बनी हुई। चलो जेल की, और यहाँ भी देखो, मैं है तो बरामदा बट इसको भी कवर कर रखा है, बहुत बढ़िया जी, कमाल है। उस तरफ चलते हैं भैया, लेट मी कंप्लीट। नहीं है रास्ता सुझाने का, अरे मैं चले जाऊंगा। इतना तो हम कर सकते हैं, ये कॉर्नर बना है इस तरफ से, ये जेल है, और यहाँ ये कोठरियाँ हैं जी। देखो उसी समय के जंगली लगे हैं, थोड़ा सा येलो आ, काले पानी की झील, कितना तगड़ा लोहा लगा रखा है। और कैदी भाग के जाए भी कैसे, कोई कहते नहीं काले पानी की झील में जाते नहीं थे कैदी, भेजते नहीं थे, किसी को भेजा नहीं था। बहुत से जो हमारे क्रांतिकारी थे वो यहीं बंद थे, पूरी सेलवर जेल है ये, काले पानी की जेल। भैया ये बताओ इसके अलावा और घूमने के लिए कहाँ पीछे इस तरफ, और हॉस्पिटल बन गया उसमें? अच्छा पीछे हॉस्पिटल बना दिया, ये भी रखा हुआ बस। अच्छा ऐसी सीटें हैं जी पोर्ट ब्लेयर में, कच्ची मजबूत है वैसे तो। डोनिया, ये काला पानी की जेल पूरी की पूरी, कुछ म्यूजियम बना वो देखते हैं। अंदर कुछ और यादें ताजा होंगी, मतलब हमें तो गया याद है, लेकिन उनके बलिदान का जो
जो खून है वो फिर दोबारा गीला होगा, आप लोग देख रहे हैं। इसलिए अंडमान के पुराने दिनों की दृश्य अच्छे भारत के वश रहे लाडवे विल क्षतिग्रस्त चौथम निरीक्षण करते हुए गुरुद्वारा पोर्ट ब्लेयर 1940 में जापानी सैनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय अधिकारी इस तरफ से करते हैं। वाइपर जेल निर्माणाधीन 1864 से 67 के आसपास, उसके बाद वाइपर द्वीप पुराना जेल। वाइपर द्वीप का मनोरम दृश्य, पहाड़ी पर फांसी घर और छोटे जहाजों के लिए सुरक्षित बंदरगाह। ये फांसी घर है, बेड़ियों में जकड़े चैन गैंग के बंदी। देखो जी, ये कुछ काम भी कर रहे हैं और बेड़ियों में जकड़े भी। यहाँ कैदी जमादार की निगरानी में चैन गैंग के बंदी लकड़ी का लट्ठा खींचकर काटने के लिए ले जाते हैं। काम भी करवा रहे हैं और चेन भी लगी हुई है, इनकी निगरानी में काम हो रहा है। अटलांटा पॉइंट से रॉस द्वीप का दृश्य, SS महाराजा जहाज लंगर डाले हुए। उसके बाद देखो जो रॉस द्वीप पर बंदियों में खाना बांटने का दृश्य, ठीक बाई तरफ रसोई घर का नज़र आ रहा है। ये रसोई घर है जी, और ऐसे कैदियों का खाना बांटते थे, देख लो यार। ये सारा पोर्ट ब्लेयर है ना जो, ये इन हमारे वीर लोगों ने बसाया है, इन्हीं ने संवारा है, सब कुछ इन्होंने बनाया है पूरा पूरा। रॉस द्वीप स्थित बाजार का दृश्य, सब्जी विक्रेता और भीड़ और बिस्ती दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे बिकती थी सब्जी उस समय, हुक्का भी पी रहे हैं। गवर्नमेंट हाउस, रॉस द्वीप स्थित गवर्नमेंट हाउस, ब्रिटिश इन्फेंट्री बैरक रॉस द्वीप 1930 में। समुद्र की ओर से ब्रिटिश इन्फेंट्री बैरक का दृश्य, रॉस द्वीप की इमारतें, दूर सेलर जेल दिखाई दे रहा है। ये रॉस द्वीप है, इस तरफ वो सेलर जेल है, हम कल रॉस द्वीप भी चलेंगे। रॉस द्वीप स्थित जूनियर अधिकारियों का क्लब, सामने टेरिस कोर्ट नजर आ रहा है। यूनियन इन्फेंट्री बैरक रॉस द्वीप, एंड्रू चर्च, सेंट एंड्रू चर्च बेहतरीन सजावट रॉस द्वीप के अंदर है सारा। ये रॉस द्वीप स्थित गवर्नमेंट हाउस का बेहतरीन सजावट, गवर्नमेंट हाउस। चीफ कमिश्नर रॉस द्वीप पहुंचते हैं 1931 में। रॉस द्वीप पर ब्रिटिश नागरिक, ये कुछ ऐसा है। बहुत बढ़िया जी। भैया इस जेल के बारे में क्या जानते हो आप? नहीं पता है? कहते देखने का वो है जी। अच्छा अच्छा, बस ये यहीं पे इतना ही पूरा है। सावर जी का रूम है। सावर जी का रूम कहाँ है? वो लास्ट रूम है ना, वो आगे गया ना, सबसे ऊपर चल के। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सेकंड फ्लोर है ना जहाँ सावर जी का रहते थे। हाँ। जेल में डाले थे। हाँ। सबसे ऊपर फ्लोर लास्ट पे। हाँ, लास्ट का रूम में गए। सबसे लास्ट में चल के चलो वो और देख। हाँ, सब देखता। अच्छा, पूरा जेल देखता, नट पे देखता, आप लोग देखता, सब देखता। अच्छा, उस टावर से पूरा देखता। अच्छा जी, चलो जी, उस टावर से दिखेगा सारा कुछ। सावर वीर सावरकर जी का जो जेल रूम था वो देखेंगे, उस टावर से पूरा देखते हैं। पूरी जवानी ऐसे खोई है। वो व्यू पॉइंट है वहाँ से। काम करता आप।
वीर सावरकर सर, सेकंड फ्लोर, वीर सावरकर की फोर्थ फ्लोर। ये फर्स्ट ये हो गया, सेकंड मेरे को दौड़ना ही पड़ता है। ये हो गया, जाके सावरकर जी का रूम देखते हैं। अजीब व्यवस्था है यहाँ, काले पानी में फ्लाइट से आने में, कोलकाता से यहाँ आने में 2 घंटे का समय लग गया। 2 घंटे काउंट करें लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास मिनिमम, 2000 किलोमीटर पानी पानी चल के कौन बंदा तैर पाएगा इतना समंदर की ओर से। इसलिए कहते हैं कोई भागेगा वहाँ से तो मरेगा। लालटन लटकी हुई है रोशनी के लिए, रात को पूरी जगमगाती है। छोटे छोटे गेट हैं, ये जलाएगा, वहाँ से व्यू पॉइंट और दिखाएंगे पूरा। भैया प्लीज प्लीज प्लीज, वीर सावरकर की कोठरी। विनायक दामोदर सावरकर, बर्थ 29 मई 1883 और डेथ है 1966। इम्प्रिजन हर इन दिस सेल, दिस सेल इसी सेल जो जेल है इसके अंदर, इस कोठरी के अंदर वीर सावरकर जी रहे थे और इस ऐसे हालत में रह गए। ये पूछ रहे थे मैंने, ये नंबर्स के लिए गले में डाल के थे, कितने नंबर कह दिए कौन है, और ये उनके खाने खाने का, इनमें खाना देते थे इस मेटल में, इसमें कुछ लिक्विड पानी वाणी पीने का कुछ देते होंगे, जैसे दाल वगैरह। ये कह रहे थे किसी को भी नहीं पता वो कौन से जगह थे, ऐतिहासिक सत्य है यहाँ रहते हैं हमारे वीर सावरकर। प्लीज एक मिनट लेट मी गो, प्लीज एक्सक्यूज मी। अभी अपन पूरा व्यू देखते हैं जहाँ से, वो दीप वगैरह पूरा दिखा, लगभग दिखाई देगा यहाँ से जिस दीप की इतनी चर्चा हो रही है। भैया प्लीज जाने देने एक बार, वीर सावरकर जी के मतलब यहाँ इस कोठरी में बंद थे वो, इस जेल के अंदर। यहाँ से ऊपर से नजारा ऐसे दिखेगा, देखिए जेल ऐसी होती है दोस्तों, कभी बिना गलती की जेल काट के देखना, कोई गलती हो जाए बात अलग है, बिना गलती के तब पता लगे देश की आज़ादी के लिए कितने लोगों ने जेल काटी है, कितने लोग फांसी पे चढ़े हैं। पूरा व्यू दिखेगा वहाँ से चल के ना, सारा का सारा एक व्यू नज़र आएगा, जिस पर अंग्रेजों का मुख्यालय था वो टापू भी दिखाई देगा वहाँ से, और कल वहाँ भी चलेंगे। आज तो शाम को सूरज भी सामने छुपने वाला है, सूरज छुपते ही अंधेरा। तो
फ्रीडम फाइटर्स इन सेल्वर जेल 1921 तक, ये सारे फ्रीडम फाइटर्स ही हैं, रियल फ्रीडम फाइटर्स। चलो ऊपर से भी देखते हैं। ये पूरा भी यहाँ से दिखेगा, लास्ट स्टॉप पे आके ये जेल की दो हो गई, इस तरफ ये होगी, ये होगी, और पीछे बना दिया हॉस्पिटल। यहाँ बना दिया हॉस्पिटल, और आपको समुंदर और टापू अब नजर आएगा वो सामने। ये जगह है भैया, ये छत कुछ है इस ढलान में ऐसे बनी हुई है। वो आइलैंड है सामने, और वो टापू है, उस क्रूज से अपन चलेंगे कल, अपन इस क्रूज से चलेंगे। ये टापू सामने देख गया, और बहुत सारी नावें चल रही पानी के अंदर, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा फिर हो गया क्या, तुम ये दिख रहा है एंड दिस साइड आल्सो, भैया मैं पोर्ट ब्लेयर के अंदर। सो सी यू इन द वीडियो, फॉलो कर लो पेज को ताकि नई इन्फॉर्मेशन आपको दिखाते रहें।